हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 23। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपका कंपोनेंट डिड माउंट मेथड को, लाइफ साइकिल मेथड को। बेसिकली ये कंपोनेंट डिड माउंट कब चलता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड प्रीवियस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कंपोनेंट डिड अपडेट हम सीखेंगे, बट वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे गाइज। हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका कंपोनेंट डिड माउंट को, ओके। एंड जस्ट के गाइज, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया था ये रिएक्ट जेएस टूटल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइज, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाए एंड चेकआउट कर सकते हैं वहां पे भी आप। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लाइफ साइकिल कंपोनेंट डिड माउंट मेथड को, कि यहाँ पे मैंने क्या इसका इंट्रोडक्शन रखा है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। In React, the component did mount method is a lifecycle method that is invoked immediately after a component has been mounted to DOM. It is a good place to perform initialize side effects or interact with external APIs. Okay, तो यहाँ पे जो मैंने mention करा है आपका component did mount, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका component पूरा की तरह render हो जाएगा और जो DOM पे आपका पूरा का पूरा UI दिखने लगेगा, तब उसके बाद में आपका ये जो method है ये work करता है। अब इस मेथड को हम यूज क्यों करते हैं? सपोज मानिए कि आपका जो HTML है, DOM है, ओके, उस जो HTML जब तक रेडी ना हो, जब तक आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी फंक्शनैलिटी ना चले, तो आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे फंक्शनैलिटी को कॉल करवा सकते हैं इसी मेथड के अंदर। और आपको पता है जब कभी भी हम APIs कॉल करवाते हैं तो APIs को हम वन टाइम ही कॉल करवाते हैं जिससे कि हमें डेटा मिल सके, बार बार कॉल नहीं करवाते। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी API को इसके अंदर भी कॉल करवा सकते हैं कि जिससे कि वन टाइम ही लोडेड हो और बिफोर डेटा जो हमारा पूरा HTML है उसके लोड होने से पहले हमारी API कॉल ना हो। तो इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये है आपका कंपोनेंट डिड माउंट। अब इसका पर्पस जान लेते हैं कि किस किस चीजों में आपका यूज होता है ये। मेकिंग API कॉल टू फैच डेटा फ्रॉम अ सर्वर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। देन सेकेंड है आपका सेटिंग अप इवेंट लिसनर्स और सब्सक्रिप्शन, मानिए कोई भी आपको इवेंट चलाने उससे उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका मैनिपुलेटिंग द डॉम ऑफ इंटरैक्टिंग विद एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं आप वहां पे उनको कॉल करवा सकते हैं कंपोनेंट डिड माउंट में। एंड देन फोर्थ है आपका यहाँ पे परफॉर्मिंग एडिशनल इनिशियलाइजेशन और सेटअप टास्क, ओके। तो ये चार पॉइंट्स हैं। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं हम, तो आप मीनिंग बता सकते हैं जो कंपोनेंट डिड माउंट की मैंने आपको ओपन मीनिंग बताई है वो, और ये चार पॉइंट गिनवा सकते हैं जिसकी वजह से वो आप समझेंगे कि आपको थ्योरी की नॉलेज है। तो ये था आपका छोटा सा थ्योरी का पार्ट। अब कंपोनेंट डिड माउंट को प्रैक्टिकल में कैसे आप करके दिखाएंगे इंटरव्यूअर को, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे एक फाइल है app.js, ओके। ये कंपोनेंट है हमारे पास में जिसके अंदर हमने H1 पे लिख रखा है आपका लाइफ साइकिल कंपोनेंट डिड माउंट मेथड, और जिसका आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ ब्राउजर पे, जैसे कि आपको यहाँ विजिबल हो भी रहा है और यहाँ पे कंसोल ओपन है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम करने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ आपका कंस्ट्रक्टर, ओके। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एग्जांपल वन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करवा ले रहा हूँ गाइस। एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सुपर, ओके, जैसे कि हमें लेना ही होगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको स्टेट वाला भी एग्जाम्पल सिखाऊंगा। एंड कंसोल लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस कंसोल में क्या करते हैं आपका, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर को ही कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ओके। एंड पेस्ट करने के बाद में कॉल लिख देते हैं ये चीज। और एक काम और करते हैं हम यहाँ पे, कि जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट है इसको क्लास कंपोनेंट में बदल देते हैं। देखिए मैं हर बार इसको इसलिए चेंज करता हूँ कि जिससे कि आपको हर बार एक नया कोड देखने को मिले, और आप जितना ज्यादा कोड देखेंगे ना उतना ज्यादा आपको चीजें याद होंगी, ओके। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्ट भी कराना होगा कंपोनेंट को, देखिए कंपोनेंट मैंने इम्पोर्ट करवा लिया। और एक चीज और करवाते हैं यहाँ पे हम आपका रेंडर, ये देखिए, ठीक है। और रेंडर के अंदर क्या आता है हमारा, हमेशा रिटर्न आता है, यहां से कट करेंगे पेस्ट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने ऑलरेडी ले लिया, कंसोल लगा दिया, ओके। अब क्या करना है हमें, अब देखिए पहला कंसोल हमने किस पे लगाया, हमने कंस्ट्रक्टर पे लगाया। अब इसके बाद में हमारा सेकंड जो कंसोल होगा वो रेंडर के अंदर होगा। अब देखिएगा क्यों मैं सेकंड क्यों कह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि किस तरीके से रेंडर हो रहा है हमारा कंपोनेंट वो मेरे को यहाँ पे आपको समझाना है, कि और जो हमारा कंपोनेंट डिड माउंट है वो कब चलता है। रेंडर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन इसके बाद में आपको यहाँ पे अब क्या करना होगा, एग्जाम्पल वन ही लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ जो मेथड है हमारा कंपोनेंट डिड माउंट, ओके। एंड देन इसके अंदर अब हम कंसोल लगाएंगे जो हमें
बताएगा कि ये कब कॉल हो रहा है बेसिकली। ओके तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट, ये मैंने यहां पे लिख दिया, और यहां पे कॉल्ड के लिए मैंने यहां पे कॉल्ड वाला कॉल करवा दिया। अगर मैं इतनी चीज यहां पे अगर मैं आपको सेव करके ओके ब्राउजर पे अब यहां पे आउटपुट दिखाऊं कि क्या आ रहा है अभी, तो यहां चलेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर रेंडर कॉल हुआ है, देन उसके बाद में आपका कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ है। ओके एक बार मैं दोबारा इसको क्लीन करता हूं और रिफ्रेश करता हूं ब्राउजर को अगेन। ब्राउजर को रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे आप अभी भी वही सेम रिजल्ट आपको यहां पे विजिबल हो रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है सबसे पहले, देन उसके बाद आपका रेंडर कॉल हो रहा है, एंड कंपोनेंट डिड माउंट हो रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कंपोनेंट डिड माउंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले वो आपका क्या करता है, कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो में बताया था, वो सबसे पहले कॉल हो जाता है बिफोर माउंटिंग। आपका जो कंपोनेंट होता है रेडी होने से पहले ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। रेंडर कब होता है, जब आपका कंपोनेंट पूरा का पूरा पूरा माउंट हो जाता है डॉम पे, तब आपका रेंडर वर्क करता है। एंड देन आपका कंपोनेंट डिड माउंट हो जाता है जब पूरा रेंडर हो गया है वो सारा कुछ, तब उसके बाद में लास्ट में आपका कंपोनेंट डिड माउंट चल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका तीनों तरीके का कंसोल। आपने देखा कि हमने सबसे लास्ट में आपका रेंडर के अंदर कंसोल लगाया, बट वो सेकंड नंबर पर चल रहा है। फर्स्ट नंबर पे आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चल रहा है, एंड लास्ट में आपका कंपोनेंट डिड माउंट चल रहा है। ओके तो ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि स्टेट के साथ में, मानिए कि आपकी स्टेट है या एपीआई फैच करा रहे हैं जो भी, तो उस केस में क्या आपका कंपोनेंट डिड माउंट अगेन एंड अगेन चलता रहेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, टू लेता हूँ यहाँ पे, ओके, और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, H2 लेता हूं मैं यहाँ पे, H2 लेने के बाद में काउंट, ओके। अब इस काउंट के अंदर हम चीजें करेंगे यहाँ पे, उसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, हमें स्टेट चाहिए होगा। तो स्टेट के लिए सबसे पहले डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, ओके, दिस डॉट स्टेट, ओके, यहाँ पे इज इक्वल टू लेंगे कर्ली ब्रेसिस, और यहाँ पे जो काउंट है हमारा उसकी इनिशियल वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। देखिए मैंने यहाँ पे जीरो डिफाइन कर दिया, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा स्टेट। अभी इंक्रीमेंट का ही फंक्शन बनाएंगे, क्लिक करने पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, बट पहले यहां पे हम कॉल तो करवा लें। तो यहां कर्ली ब्रेसेस लेना आपको, दिस डॉट स्टेट, ओके काउंट। अगर मैं अभी इतनी चीज को सेव करूं और आपको आउटपुट दिखाऊं तो यहां चलेंगे, तो यहां पे आपको काउंट जीरो विजिबल हो भी रहा होगा। ओके अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे आपका स्टेट चलेगा। और यहां पर मैं लेता हूं एक बटन, ठीक है, इस बटन पर मैं क्या करता हूं, इंक्रीमेंट लिख देता हूं, ये देखिए। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाना है मेरे को, तो फंक्शन यहां पर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक बनाएंगे, ओके कर्ली ब्रेसेस लेंगे यहां पे, दिस डॉट, अब मैं यहां पे जो फंक्शन बनाने वाला हूं उसका नाम ले लेते हैं आपका इंक्रीमेंट, ओके इंक्रीमेंट काउंट करके यही फंक्शन हम यहां पे कॉल करवाएंगे, और इसी को हम यहां पे डिक्लेयर भी करेंगे। तो यहां पे कंपोनेंट डिड माउंट के ऊपर आ जाएंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल टू, ओके इंक्रीमेंट काउंट, ओके यहां पे एरो फंक्शन बनाएंगे हम, एरो फंक्शन बनाया। अब कैसे स्टेट को सेट करवाते हैं हम क्लास कंपोनेंट के अंदर, यहां पे आपका सेट स्टेट दिस के साथ में, एंड देन यहां पे क्या करेंगे हम, प्रीवियस जो स्टेट है वो यहां पे एक पैरामीटर ले रहे हैं, की ले रहे हैं बेसिकली, एंड देन इसके बाद में यहां पे आपका ये देखिए कुछ इस तरीके से, ओके यहां पे अब क्या करेंगे हम, काउंट है जो हमारा, यहां पे लेंगे प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट प्लस हमेशा वन होना चाहिए वो, ओके ये देखिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ना, दैट्स वाई हमें ये चीज करनी पड़ी कि पैराथिनथिस पहले लिया हमने, देन कर्ली ब्रेसेस, ओके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा की, जो की का नाम है हमारा काउंट, और उस काउंट के अंदर जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट प्लस वन, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहां पर ये चीज चेंज जब होगी, जब हम क्लिक करेंगे स्टेट को, तो सबसे पहले मैं यहां पर चलता हूं, यहां रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले सेम चीज, यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है आपका सबसे पहले, रेंडर कॉल हो रहा है सेकंड नंबर पे, एंड देन कंपोनेंट डिड माउंट जो हमारा कंसोल लगा है वो। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा जो स्टेट है, अगर मैं ये स्टेट जैसी चेंज होगी कंपोनेंट की, तो क्या हमारा कंपोनेंट डिड माउंट चलेगा? तो देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा नहीं चलेगा, रेंडर चला यहां पे, आपने देखा रेंडर के अंदर जितने भी रिटर्न है वो चीज चलेगी। देखिए मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं, जितनी बार यहां पे स्टेट चेंज हो रही है उतनी बार रेंडर हो रहा है, बट हमारा जो कंपोनेंट डिड माउंट है और जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो कॉल नहीं हो रहा, वो बस केवल इनिशियल टाइम पे ही हो रहा है, वन टाइम पे ही हो रहा है। इसीलिए जितनी भी एपीआई से रिलेटेड या एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं वो हम कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर कॉल करवाते हैं, क्योंकि हमें वन टाइम ही कॉल करवानी होती है, वो बार बार कॉल करवाएंगे तो सर्वर पे इफेक्ट होता है गाइज। ओके तो ये है आपका कंपोनेंट डिड माउंट का मेथड गाइज, पूरे एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया कि कैसे कॉल करवाना है।
स्टेट कैसे मैनेज करनी है आपको इसके अंदर। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका कंपोनेंट डिड अपडेट को कि किस तरीके से कंपोनेंट डिड अपडेट वर्क करता है। जैसे कि आपने कंपोनेंट डिड माउंट देखा वैसे ही आपका अपडेट भी होता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।